तो तुम सबने व्हाट इफ सीजन 2 का न्यू प्रोमो तो देख ही लिया होगा, जिसके शुरुआत में हम देखते हैं वॉचर एजेंट कार्टर को वो यद्रसिल का ट्री दिखाता है जो हमारे लोकी सीजन 2 वाला है। बट प्रोमो में इस ट्री में बेल्स लगी हुई थी, जबकि ओरिजिनल वाला जो है हमने लोकी सीजन 2 में देखा था उसमें ऐसा कोई बेल नहीं लगा था। तो हो सकता है व्हाट इफ सीजन 2 में कुछ तो रीजन होगा जिसके कारण इसमें बेल्स लगे हुए हैं, जो कि मैं व्हाट इफ सीजन 2 देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इन सब के बाद ये तो पता चल गया कि लोकी अब व्हाट इफ सीजन 2 में आने वाला है और उसको देख के हम सबको बहुत मजा आने वाला है, और उसके साथ व्हाट इफ सीजन 2 में और भी बहुत कुछ होने वाला है। तो चलो व्हाट इफ सीजन 2 के प्रोमो में थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं और कोशिश करते हैं जानने कि व्हाट इफ सीजन 2 में और क्या क्या हो सकता है। हेलो, मैं हूँ गेकनिक। तो प्रोमो के इस सीन में हमको हल्क बस्टर के अंदर एक चश्मे वाला आदमी दिख रहा है जो हल्क बस्टर को कंट्रोल कर रहा है। तो मैं आप सबको याद दिला दूं, ये बंदा कोई और नहीं जस्टिन हैमर है जो आयरन मैन 2 में हमको दिखा था। तो हो सकता है व्हाट इफ सीजन 2 में यहाँ हल्क बस्टर चोरी हो गया है और उसको कोई और नहीं जस्टिन हैमर ही चुरा लिया है, और ये बात हैप्पी को पता चल गई तो हैप्पी सारी चीजें संभालने की कोशिश कर रहा है विद हेल्प ऑफ आयरन लीजन। और हैप्पी किसी को बताया भी नहीं ताकि कोई परेशान न हो, क्योंकि सारे एवेंजर्स शायद क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे होंगे, क्योंकि हमको प्रोमो में टोनी और थॉर सेंटा की कैप पहने हुए दिखे हैं। लेकिन उसके बाद इस सीन में हमको ये पता लग रहा है कि आखिर में सारे एवेंजर्स को पता चल गया है और वो सब मिलके आए हैं हैप्पी की मदद करने। इसके बाद हम प्रोमो के उस पार्ट की बात करते हैं जिसमें हमें हल्क दिख रहा, वो भी बहुत गुस्से में, और उसका रंग हो चुका है लाल, और शायद उसके लाल रंग का कारण है स्कारलेट विच का मैजिक जो हमें प्रोमो में भी दिखा है। इसके बाद हमको पुराने जमाने के कुछ एवेंजर्स भी दिखते हैं, और शायद उसका कारण ये होगा कि इस सीन में जहाँ कैप्टन अमेरिका और थानोस लड़ रहे हैं वहाँ कुछ टाइम स्टोन के साथ गड़बड़ी हो गई होगी और सारे एवेंजर्स पुराने टाइम में पहुंच गए होंगे और जहाँ वो सब मिलकर किसी एक विलन को हराए होंगे, और उसके बाद स्कारलेट विच फिर मैजिक की होगी ताकि सारे एवेंजर्स को वो प्रेजेंट टाइम में ला सके। फिर हमको एक न्यू कैरेक्टर भी दिखती है जिसका नाम रहता है कहोरी, और उसको पावर मिलती है स्पेस स्टोन से। और इस कैरेक्टर के बारे में ये बता दूं कि बहुत पावरफुल है और ये सीधा एमसीयू की कैरेक्टर है, ना कि मार्वल कॉमिक्स की, और ये बिल्कुल व्हाट इफ सीजन 2 को भी इफेक्ट करेगी क्योंकि इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है व्हाट इफ सीजन 2 में। फिर हमको नेबुला भी दिखेगी जो नोवा कॉर्प्स को ज्वाइन कर लेगी, और उसके बाद वो योंडू को मार देगी और उसका वेपन याका एरो को भी रख लेगी। उसके बाद एक शॉट हम फिर देखते हैं जिसमें म्योनियर को कोई होल्ड कर लिया है, और मजे की बात तो यह है कि इस बार ये म्योनियर थॉर ने नहीं फेंका था, इस बार म्योनियर को हेला ने फेंका था, और जो उसको रोका था शायद वो ओडिन था। और शायद ओडिन को जब ये लगा होगा कि हेला उसके ऊपर म्योनियर यूज कर रही है तो उसके बाद उसने हेला को अर्थ में भेज दिया होगा। तो ये तो व्हाट इफ सीजन 2 के न्यू प्रोमो की बात हो गई, लेकिन यहाँ अभी भी एक चीज जो नहीं पता वो है व्हाट इफ सीजन 2 का विलन वो कौन होगा, क्योंकि व्हाट इफ सीजन 1 का मेन विलन तो इन्फिनिटी अल्ट्रॉन था, बट व्हाट इफ सीजन 2 का प्रोमो देखने के बाद यहाँ हमको नहीं पता चल रहा है कि व्हाट इफ सीजन 2 का मेन विलन है कौन। हमें प्रोमो में छोटा पीटर क्विल भी दिखा जो पावरफुल भी लग रहा है और उससे एवेंजर्स लड़ने आते हैं। तुम सबको क्या लगता है, क्या वही होगा मेन विलन, मुझे कमेंट में जरूर बताना। और पर्सनली मैं तो एक्साइटेड हूँ लोकी को देखने के लिए कि वो इस सीजन में क्या करने वाला है। और मैं ये भी बता दूं व्हाट इफ सीजन 2 मल्टीवर्स को और भी ज्यादा डीपली एक्सप्लोर करेगा, तो इस बार बहुत मजा आने वाला है और व्हाट इफ सीजन 2 बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। तो ये वीडियो तो यहीं खत्म होगी, मेरे लिए कोई एडवाइस होगी तो कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी सुपर वाला, सी यू सून।